Hey guys, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ मेटल फ्रेम वर्सेस प्लास्टिक फ्रेम, दोनों में से कौन सा फ्रेम ज़्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ है पोलार का मेटल फ्रेम एग्जॉस्ट फैन और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हैवल्स का प्लास्टिक फ्रेम वाला आपको एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में मैं इसका बारीकी से बारीकी आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वाचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, इससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये एग्जॉस्ट फैन लेना होगा, चाहे मेटल फ्रेम वाला लेना हो पोलार का या आपको पोलर का या हैवल्स का, तो इन दोनों का ही बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं इसके लुक के। तो देखिए आप एक तरफ मेटल वाला है एक तरफ प्लास्टिक वाला है, तो लुक के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो लुक के हिसाब से दोस्तों आपको हैवल्स का ये वाला जो प्लास्टिक बॉडी है ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी हमारा जैसे बेडरूम होता है, हॉल होता है, लिविंग रूम होता है, वहाँ हम इस टाइप का एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं क्योंकि ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसको अगर आप वहाँ पे लगा देंगे तो लुक वाइज ये उतना अच्छा नहीं लगेगा कंपेयर करते हैं प्लास्टिक बॉडी से, क्योंकि इसको ये क्या करता है, ये डायरेक्ट आपके एग्जॉस्ट फैन में जाकर ये फिट हो जाता है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो लुक वाइज से अगर आपको देखना है, परचेस करना है, तो आप हैवल्स का करिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके साइज और वेट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरली जो इसका साइज होता है वो सिमिलर होता है साइज, लेकिन दोस्तों जो वेट होता है ये मेटल वाले का ज़्यादा होता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं क्योंकि इसमें मेटल है, लोहा है, तो ये तो वजन होगा ही होगा और ये उतना लाइट वेट, उतना वजन नहीं रहता, वजन ये भी रहता है बट लाइट वेट रहता है, ठीक है। दोनों में ही आपको जो मोटर मिलता है वो कॉपर मिलता है, इसमें भी आपको कॉपर मिलता है, इसमें भी आपको कॉपर मिलता है, तो जो मोटर है उसमें कोई भी जो वाइंडिंग होता है वो दोनों में ही आपको कॉपर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एयर डक के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें आपको किसी भी टाइप का एयर डक नहीं मिलता जो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, एयर शटर नहीं मिलता। देखिए जैसे इसको आप लगाएंगे तो ये तो चलते ही रहेगा, चलते रहेगा, जब आप इसको बंद करेंगे तो जो भी वेंटिलेशन में धूल आ रहा है वो घर के अंदर आएगा, आपके हॉल के अंदर आएगा, बेडरूम के अंदर आएगा, लेकिन इसमें आपको एक आपको शटर मिल जाता है, जब ये चलता रहेगा तब तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा, ये देखिए ऐसा ओपन, लेकिन जहाँ आप इसको यूज़ नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है एयर शटर का कि जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी डस्ट, कीड़ा मकोड़ा जो भी है ना, जो भी इंसेक्ट है वो इसके अंदर जाकर आपके हॉल में या आपके बेडरूम में नहीं घुस पाएगा। तो इसमें आपको ये खासियत मिलता है, आपको इसमें आपको एयर डक का आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जैसे ही आप फ़ैन को बंद करेंगे, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है हैवल्स का। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो दोनों मतलब इक्वली आपको मिल जाता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाला है दोस्तों ये आपको ज़्यादातर के महंगा ही मिलेगा, 50 रुपये 100 रुपया ये वाला जो प्लास्टिक बॉडी है ये आपको थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि लुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वाला थोड़ा महंगा आपको मिल जाता है और ये वाला थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है। हालाँकि ये मेटल होता है बट फिर भी ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप मेटल से कंपेयर करेंगे तो। अब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों इसके आरपीएम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप आरपीएम के हिसाब से देखेंगे तो मेटल वाले का कोई भी मतलब मुकाबला ही नहीं है। ये जो मेटल वाला है दोस्तों इसमें आपको देख सकते हैं 2650 आरपीएम का आपको इसमें ये देखिए मोटर मिल जाता है, ये 2650 आरपीएम पे रोटेट होता है और इसका जो वाट है ये कंज्यूम करता है 57 वाट और आपको आरपीएम देता है 2650 वाट, ठीक है। और वहीं हम इसकी बात करें इसके आरपीएम की तो हम आप देख सकते हैं ये 150 एमएम वाला है, इसका आरपीएम है 1350 आरपीएम इसमें आपको मिल जाता है और वाट ये 22 वाट कंज्यूम करता है, यानी कि लगभग इसका आधा से भी कम, ये 57 वाट कंज्यूम करता है, ये 22 वाट कंज्यूम करता है। इसमें आपको आरपीएम ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि ये हाई स्पीड वाला फ़ैन है और ये वाला इसमें आपको 1350 का आरपीएम मिल जाता है
ऑलमोस्ट आधा का आरपीएम आपको इसमें मिल जाता है, ये 1350 और ये आपका 2650, ऑलमोस्ट हाफ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये वाला फ़ैन को हमको कहाँ लगाना चाहिए और ये वाला फ़ैन को हमको कहाँ लगाना चाहिए, इसका यूजेस बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए जो ये मेटल वाला है इसमें हाई आरपीएम है, मतलब कि 1650 का आरपीएम है, यानी कि ये किचन के लिए बेस्ट है, क्योंकि देखिए किचन में हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो गर्म हवा रहता है वो हमारे घर के ऊपर ही, मतलब जो भी किचन है वहीं पे मंडराता रहता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम चिमनी जनरली यूज़ करते हैं, तो चिमनी तो पूरा बाहर कर देता है तुरंत। तो अगर आपके घर में चिमनी नहीं है, क्योंकि चिमनी कॉस्टली भी आता है, तो अगर आपके घर में चिमनी नहीं है और आपके घर में एकदम गर्म जो किचन में गर्म गर्म हवा आता है उससे अगर आपको बचने का सोच रहे हैं, ठंडा अपने किचन को रखने का सोच रहे हैं, तो उस में आपको ये वाला पोलर का आपको ये लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2650 आरपीएम मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पीडली जो भी अंदर का एयर है उसको बाहर कर देगा। तो जो भी आपका किचन है उसके अंदर का जो हवा है गर्म हवा उसको ये जल्दी बाहर कर देगा, जल्दी बाहर कर देगा, और ये उतना स्पीड से नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर इसको 10 मिनट लगेगा तो इसको आपको आधा घंटा लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये वाला लेना ज़्यादा बेटर है अगर आप किचन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको फास्टली गर्म हवा को निकालना पड़ता है, जो भी हम खाना बनाते हैं रोटी बनाते हैं तो जो भी गर्म गर्म हवा निकलता है उसको जल्दी से हमको बाहर निकालना पड़ता है, इसका हमको ये लगाना चाहिए। और ये वाला जो है प्लास्टिक वाला, आप इसको बाथरूम में भी लगा सकते हैं, आप इसको किचन में तो लगाइएगा मत, इसको ये ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, आप इसको बेडरूम हॉल लिविंग रूम और बाथरूम में भी लगा सकते हैं, बाथरूम में भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि किचन के लिए आपको हैवी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हैवी, और ये आपको बाकी जगह आप इसको लगा सकते हैं, जनरली आप इसको हॉल बेडरूम और लिविंग रूम में लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो इसमें आपको मोटर मिलता है इसमें आपको कितने साल का वारंटी मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों दोनों में ही आपको कॉपर मोटर मिल जाता है, दोनों में ही ना, इसमें भी कॉपर मोटर मिलता है, इसमें भी कॉपर मोटर मिलता है, और ये दोनों में ही आपको दो दो साल का वारंटी मिल जाता है। तो अगर कुछ भी होता है तो आपको इसमें वारंटी मिल जाता है, आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 2 साल तो आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वारंटी का भी हो गया। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, जब ये फ़ैन चलता है दोस्तों तो इसमें क्या होता है, ऑयल है ना गिरता है, तो इसमें आपको एक अलग से कवर मिलता है, जो भी यहाँ से ऑयल वगैरह गिरेगा वो इस वाले चैम्बर में आ जाएगा, उसके बाद आप इसको इजी टू क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो ये मेटल वाला रहता है अगर इसमें ऑयल गिरेगा वो वहाँ पे रुकने का कोई भी चैम्बर नहीं रहता, वो पूरे ये वाले पोर्शन में फैल जाता है, ये वाले पोर्शन में, ये देखिए यहाँ पे पूरा फैल जाता है, और यहाँ पे फैलने के बाद वो डस्ट वहाँ पे जमना चालू हो जाता है। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का, इस टाइप का आपको चैम्बर नहीं मिलता, ऑयल कलेक्टर आपको नहीं मिलता, ट्रे, ये ट्रे है, ऑयल कलेक्ट ट्रे है ये, जो कि आपको प्लास्टिक वाले में मिल जाता है और इसमें नहीं मिलता। तो फीचर के लिहाज से देखें तो इसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल जाता है, बट ये हैवी यूजेस के लिए है और ये नॉर्मल यूजेस के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेटल वाला पोलर का आपको एग्जॉस्ट फैन लेना हो या आपको हैवल्स का ये प्लास्टिक बॉडी वाला लेना होगा, दोनों का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।